अभी जो भी चल रहा है 500-6,000 के नोट्स को लेकर, पर्सनली कोई ऐसी डिफिकल्टी आपने फेस की है इसके आने के बाद? जैसे बहुत सारे लोगों से मैं बात की तो उनके पास कैश नहीं था, उसमें सारे फीस भी शामिल थे, तो क्या आप लोगों के साथ समस्या हुई? मैं एक्चुअली बहुत समय से मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक मनी यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है. बट हाँ, घर के कामों में ऑफ कोर्स आई एम श्योर मेरी मॉम को दिक्कत हो रही होगी. जी, मैं तो आधे घंटे पहले फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मैंने 2,000 रुपये का नोट देखा है. अभी मैंने तो अब तक ही देखा है. आई वाज वाचिंग इट एंड आई वाज सेइंग बहुत ही कलरफुल है, बहुत अच्छा है. आई होप उसका कलर निकलता है. नहीं जी, मेरे जनरेशन के लिए मैंने तो एक बात नोटिस करी इस कई लोग हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग जो अपोज भी कर रहे हैं, तो आई यू एग्री कि मतलब आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? Yeah, I think I stand by this move and I think it's fantastic. Or definitely काफ़ी inconvenience हो रहा है, लेकिन I think in the larger good, it's a very good move. मैं definitely ये demonetization के move को support करता हूँ. मुझे इसका effect सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि मेरा एक football team भी है, और मुझे पता है कि stadium के अंदर जो हर game में हमें 75-80 lakh का जो collection होता है, आज मुझे पता चला सिर्फ 1,50,000 का कलेक्शन हुआ है. सो आई नो द इफेक्ट एंड द हिट ऑफ दिस. लेकिन मेरे हिसाब से लाइक आई सेड, ये एक ना एक दिन करना ही था. अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इट हैपेंड बिफोर आवर रिलीज. लेकिन फोर्स टू इन द मीनवाइल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बन चुकी है. तो मेरे हिसाब से आई थिंक पीपल विल गो आउट एंड सी दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत ही, ये नैरेटिव है जो फिल्म का, बहुत ही तेज़ है, फास्ट है, एंटरटेनिंग है, लेकिन ये क्रेडिबल फिल्म भी है, बहुत ही क्रेडिबल फिल्म, एंड इट्स बॉर्डर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज, जैसे सोनाक्षी ने कहा.